आप 2019 में भी इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान के साथ थे और वो जो टाइटल भी जीता था, और आपने स्पेशली सेमीफाइनल में बहुत अच्छी इंडिया के खिलाफ बॉलिंग की थी डेथ ओवर्स में, तो आपकी इस इमर्जिंग कप में क्या एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल मुझे याद है कि इंडिया का गेस हमारा स्टार्ट भी इतना अच्छा नहीं हुआ था बॉलिंग में, लेकिन एंड में आके स्पेशली फील्डिंग जो थी वो हमारी बहुत आउटस्टैंडिंग रही थी, और बॉलिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो डेप्थ है और बीच में बड़ी अच्छी बॉलिंग भी थी रन बोलना मुझे याद है। और जो अभी तैयारी हमारी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, ओवरऑल टीम की भी और मेरी इंडिविजुअल। जी उमैर, रिसेंटली अभी आपने जो टूर किया जिम्बाब्वे का, आपका वो टूर कैसा रहा? आपने उसमें 200 भी किए हैं, 100 भी किए हैं, तो आप कैसा देखते हैं इसमें जो आपका नया इवेंट है उसको किस तरह देखते? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है जब आप पाकिस्तान के लिए खेले और अच्छी परफॉर्मेंसेस दे, तो इस साल मैंने जिम्बाब्वे में जाके काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इससे टीम भी हमारी जीती है। और कोशिश यही होगी कि जिस तरह मैं खेलता हुआ आ रहा हूँ, जो मैंने अपने प्रोसेस में प्रैक्टिस की है, कोशिश करूँगा ये मैं अभी जो आने वाला इमर्जिंग कप है उसमें भी उसी तरह ही अपने अपना काम करता हूँ। उमर, आप 2019 में भी जो है ये क्या कहते हैं खेल चुके हैं इमर्ट जो है, तो क्या आप लोगों पे प्रेशर होगा? आप लोग जीते हुए भी है? नहीं ऐसा तो नहीं है, तो अच्छी बात है कि हम जीते हुए ये टूर्नामेंट को, तो हमारे लिए तो इतनी प्रेशर वाली कोई बात नहीं है। हम तो बस कोशिश करेंगे कि ये टूर्नामेंट को जिस तरह अपनी एबिलिटीज़ पे खेले और ये भी टूर्नामेंट जीते इंशाल्लाह। तो आप कंसिडर किए जाते हैं एज अ ऑलराउंडर, तो आप ज़्यादा बॉलिंग में अपना फोकस रखते हैं या बैटिंग में ज़्यादा अपना फोकस रखते हैं? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दोनों को सेम टाइम दूँ, जिस वक्त जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है जो है मैं उसको प्रायोरिटी देता हूँ। किसी भी एक चीज़ को स्पेशली जो है ना, मैं ये नहीं कहता कि इस वक्त मैं ये बॉलिंग को ज़्यादा करूँगा या बैटिंग को, दोनों को सेम टाइम दूँ। लास्ट एडिशन में भी आपका मैच इंडिया के अगेंस्ट जो हुआ था उसमें आपने 50 रन भी किए थे, तो इस दफ़ा क्या प्लानिंग है? तो आप दोहराएंगे दोबारा? इंशाल्लाह इस दफ़ा भी कोशिश यही होगी कि वो 2019 में जो मैंने इंडिया के खिलाफ 50 की थी, और इस बार मैं मज़ीद और बेहतर होकर आया हूँ, तो इस बार मेरी कोशिश होगी कि जो भी अगेंस्ट टीम में हो अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दो, और टीम से जो स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट खेलने का एक अलग ही मज़ा होता है, तो इसको इन्जॉय करेंगे। तो ये टूर्नामेंट कितना इंपॉर्टेंट है यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि आगे दो बड़े बहुत बड़े इवेंट्स आ रहे हैं नेशनल टीम के, तो ये टूर्नामेंट आप किस तरह देखेंगे एक यंगस्टर्स के लिए, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? उमर, यंगस्टर क्या नहीं पता, मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको कह सकते हैं मेरे लिए कमबैक है। ऑब्वियसली 2 सीज़न के बाद आप कह सकते हैं, 2 ईयर्स के बाद मुझे एक मौका मिला है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, जिस तरह की मेरी फॉर्म लगी हुई है और जिस तरह की तैयारी है, इंशाल्लाह यहाँ पे भी एग्जीक्यूट उसको करूँ और अपनी टीम को जितवाऊँ। और ऑब्वियसली कोई भी जो इवेंट होता है इंटरनेशनल, वो हर एक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि मेरे लिए, बल्कि जो जूनियर्स के हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अपने आप को प्रूव करके आगे आ सकते हो। उबैर, ये जो इवेंट है इसके बारे में क्या कहते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है ये जूनियर्स के लिए या जो जो लोग इधर खेलने आए हैं? आई थिंक ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपनी आप एक एबिलिटी शो कर सकते हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट बहुत बड़ा है, आप अपोजिशन टीम्स अच्छी है, तो लाइव मैचेस भी आएंगे, तो एक अपने आप को फ्यूचर में जो पाकिस्तान टीम के टूर्नामेंट्स है उसमें अगर आपको आना है तो आपको यहाँ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। और एज अ यंगस्टर मैं भी यही देख रहा हूँ कि मैं जितना अच्छा परफॉर्म कर सकूँ अपनी टीम के लिए और आगे टीम के लिए काफ़ी अर्से के लिए खेलूँ।